हवाएं चल रही है, हवाएं मस्त मस्त हवाएं, जितनी हवाएं मस्त मस्त चल रही है उतने ज्यादा मस्त मस्त हमें मजा आ रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हेलो हेलो, सो गाइस अभी अभी जस्ट मैं ट्यूशन से निकला हूँ, ये मेरे फ्रेंड है सामने से चल रहा है, सो उसके पास R15 V3 है, मैं TVS Ntorq 125 पे जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ काशिफ भाई के घर, वहाँ से हम साथ में चलेंगे कहीं राइड पर, देखते हैं कहाँ जाएंगे आज। वो बता रहे थे कहीं जाना है, उनको कुछ काम था, तो वहीं से हम राइड भी कर लेंगे। सो चलते हैं वहाँ से, अब देखते हैं कैसा मज़ा आता है। गर्मी थी आज बहुत ज़्यादा, बट अभी इस टाइम थोड़ी सी धूप कम हो गई है, हवा चल रही है, राइड करने में मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए हमने आज मैंने प्लान बनाया कि अभी सुबह के टाइम हम नहीं निकलेंगे, कल हम सुबह के टाइम निकल गए थे तो उस वक्त थोड़ी सी गर्मी लग गई थी बहुत हमें, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शाम के टाइम व्लॉग बनाने निकला करेंगे। जिस दिन थोड़ी सी बारिश होगी या ठंडा ठंडा मौसम होगा उस दिन हम सुबह जाया करेंगे व्लॉग बनाने। सो लेट्स सी क्या होता है आज। इधर सुन, मेरे को कज़न के घर जाना है अभी, कज़न के घर जाना है, तू जाएगा घर अब? हाँ ठीक है चलते हैं भाई। सो अभी ये चले गया घर के लिए, तो दोस्त चले गए अभी घर के लिए, मैं भी चलता हूँ काशिफ भाई के घर के लिए, उनका घर यहीं पे है। उन्होंने यहाँ से ऊपर जाना था बट मैंने आगे जाना था सीधा। सो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ काशिफ भाई के घर, ये सामने वाला घर जो आपको दिख रहा है ये काशिफ भाई का घर है। सो अभी लगाते हैं बाहर स्कूटी, बुलाते हैं भाई को। बब्बू कहाँ है? बब्बू कहाँ है? अंदर है? क्यों? नहीं खाना खा रहे हैं, मूंग दाल विद चावल विद अचार। कैसे हैं आप सब? तो अभी निकले हम यहाँ से आगे के लिए जस्ट, तो अभी कोई जगह बता रहे थे काशिफ भाई, मिनी लद्दाख। काशिफ भाई मिनी लद्दाख ना? सो मिनी लद्दाख बोलते हैं उसको। हवाएं चल रही है, हवाएं मस्त मस्त हवाएं, जितनी हवाएं मस्त मस्त चल रही है उतने ज़्यादा मस्त मस्त हमें मज़ा आ रहा है। हाँ यहाँ से आराम से चलना पड़ेगा, रास्ता तो पता नहीं है, अब हम चलते हैं ऊपर। अगर यही जगह, अगर यही रास्ता होगा फिर यहीं जाएंगे, अगर नहीं होगा वापस चलेंगे हम। ये व्यू है यहाँ से, बहुत ख़तरनाक व्यू है, मतलब मिनी लद्दाख की फीलिंग अभी से आ रही है। बस यहाँ से पेड़ पौधे हैं, लद्दाख नहीं बोल सकते इसको हम काशिफ भाई, लद्दाख नहीं बोल सकते हम इसको, छोटा लद्दाख। ना ना ना, लद्दाख में पेड़ है, पेड़ पौधे नहीं है, लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ से पेड़ पौधे हैं। जाते हैं मनाली शिमला, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जो मेन है ना यार, जो अच्छी जगह है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो है वो अपने जम्मू में। कि मनाली एक बहुत अच्छी जगह जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करते हैं, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा जहाँ से आप हो आप वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करो। जैसे हम तो जम्मू से, हम जम्मू की जो जो जगह है वो उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं किश्तवाड़ से हूँ, तो मैंने किश्तवाड़ में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की हुई है। सो अगर मैं सोचता मैं लद्दाख जाऊँगा, लद्दाख में एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा ना। आजकल तो सिर्फ रेसिंग ही करते हैं, जो मोटर व्लॉग आ गया रेसिंग ही करेंगे, ड्रैग रेस या कुछ। सो ऐसे मोटर व्लॉग नहीं होती है, कोई जगह एक्सप्लोर कर दो वो भी मोटर व्लॉग में ही आ जाती है। व्यू बहुत प्यारा है व्यू, यहाँ से आपको पीकॉक्स भी मिल जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पे आया हुआ था, मैंने पीकॉक्स देखे हुए थे बिल्कुल रोड पे, रोड पे गाइस रोड पे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हेलो हेलो। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से ना, क्या व्यू है। हम सामने दो हाथ रखते हैं, यहाँ पे रुकते हैं जरा, वर्ड्स ही नहीं है उतने सारे कि हम बोल सकें कुछ। काशिफ भाई क्या बोल रहे हो आप इस व्यू के बारे में? बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखो मैंने इसको यही बताया कि देखो अगर आप जम्मू से हो तो जम्मू की बहुत सारी जगह अनएक्सप्लोर है। ओके इसको बोलते हैं जम्मू, जम्मू की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ जम्मू।
सो गाइज अभी हम यहाँ से वापस के लिए निकले हैं जस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था। यहाँ पे एक अंकल आए थे, बता रहे थे कि यहाँ पे आर्मी आती है, वो हमें तंग करती है कि यहाँ पे कौन आता जाता रहता है, पूछ लगे कि कहाँ से आए हो, कौन हो। तो हमने बताया ऐसे वीडियो बनाने के लिए आए, आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम वहाँ से चले गए। हमने अंकल को भी नहीं कुछ बोला, हमने बोला कि जस्ट व्लॉग करने आए थे, सो फोटो शोटो ले ली, थंबनेल के लिए पिक्स लेनी थी। हाँ, यूट्यूब चैनल दिखा रहे, वो मान ही नहीं रहे थे। फिर हमने यूट्यूब खोल के उनको बताया, उनके पास फ़ोन नहीं था तो अपने फ़ोन से दिखाया उनको। तो थंबनेल्स के लिए पिक लेनी थी बट पिक्स ले ही नहीं पाए हम वहाँ से, जल्दी से निकल गए। एक दो पिक्स ली हैं, अगर वो अच्छी आई होंगी तो थंबनेल वही आएगा। आज ये वाली जगह अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट हमें पता नहीं था यहाँ पे आर्मी भी होती है, तो वहाँ जाके पता चला। सो इसलिए आर्मी की भी अपनी सिक्योरिटी होती है, कुछ प्राइवेसी होती है उनकी भी, सो हम उनकी प्राइवेसी को हार्म नहीं करना चाहते, इसलिए हम वहाँ से वापस के लिए निकले। अगर